हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ए टू रिव्यूज। गाइस, कपिल शर्मा को आप लोगों ने उनके सेट पर तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप उनके रियल लाइफ के बारे में जानते हैं? गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कपिल शर्मा की रियल लाइफस्टाइल के बारे में, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कपिल शर्मा का जन्म 2 अप्रैल 1981 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। इनका रियल नेम कपिल शर्मा है और निकनेम टोनी एंड कप्पू है। कपिल शर्मा प्रोफेशन से कॉमेडियन, एक्टर, सिंगर और प्रोड्यूसर भी है। कपिल शर्मा की एज की बात करें तो 2023 के हिसाब से ये 42 साल के हो चुके हैं। कपिल शर्मा नेशनलिटी से इंडियन और रिलीजन से एक हिंदू है। कपिल शर्मा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई श्री राम आश्रम सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमृतसर से पूरी की और उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई अमृतसर एंड हिंदू कॉलेज APJ कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स जालंधर से पूरी की। कपिल शर्मा एजुकेशन क्वालिफिकेशन से ग्रेजुएट है। अब हम बात करेंगे कपिल शर्मा के करियर के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कपिल शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत एक टीवी पर ब्रॉडकास्ट होने वाले द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो, जो 2007 में आया था, उसमें उन्होंने जीत के साथ शुरुआत की थी। इसमें उन्हें 10 लाख रुपए का इनाम भी मिला था। इसके अलावा उन्होंने पंजाबी शो में भी काम किया, जिसका नाम था हंसते हंसाते रहो, जो कि MH1 चैनल पर आया था। 2008 में छोटी मियां के साथ ये उस्तादों के उस्ताद नाम के एक शो में भी काम किए। फिर वो सोनी के कॉमेडी सर्कस के सीजन 6 में भी भाग लिए थे। इसके अलावा झलक दिखला जा, जो कि एक डांस का शो था, इसके सीजन 6 को उन्होंने होस्ट किया। फिर उन्होंने 2013 में अपना खुद का शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल बनाया, जो उनके खुद के ही बैनर K9 प्रोडक्शन में बना है। ये शो कलर्स टीवी पर आता था। कपिल शर्मा की पहली फिल्म है किस किस को प्यार करूं, जो 2015 में रिलीज हुई थी, लेकिन 2014 में उनको लोकसभा के चुनाव में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दिल्ली चुनाव में आयोग द्वारा चुना गया था। 2015 में उन्होंने प्रोड्यूसर करण जौहर के साथ 60वीं फिल्मफेयर को होस्ट किया था। वो 4th सीजन के सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के प्रेजेंटर भी थे। फिर 23 अप्रैल 2016 से सोनी चैनल पर द कपिल शर्मा शो आया, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत प्यार दिया। अब बात करते हैं कपिल शर्मा की फैमिली के बारे में। तो उनके पिता का नाम जितेंद्र कुमार पुंज है, जो पंजाबी पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर काम करते थे, और उनकी मां का नाम जनक रानी है, जो एक हाउसवाइफ है। कपिल शर्मा की एक बहन भी है, जिनका नाम पूजा शर्मा है। 2004 को दिल्ली में कैंसर की बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई। उनका एक भाई भी है, जिनका नाम अशोक कुमार है, वो भी एक कांस्टेबल है। अगर कपिल शर्मा की वाइफ की बात करें तो इनकी शादी गिन्नी चतरथ से 12 दिसंबर 2018 को जालंधर पंजाब में हुई थी, और उनकी दो बच्चे भी है, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम त्रिशान शर्मा और बेटी का नाम अनायरा शर्मा है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कपिल शर्मा के कार्स कलेक्शन के बारे में। तो इनकी फर्स्ट कार है मर्सिडीज बेंज S350, जिसकी कीमत है 1.40 करोड़ रुपीज, और सेकंड कार इनके पास है रेंज रोवर एवोक, जिसकी कीमत है 72 लाख रुपए। अब हम जान लेते हैं उनका नेटवर्थ कितना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कपिल शर्मा का नेटवर्थ 2023 के हिसाब से 300 करोड़ रुपए हो चुके हैं, और कपिल शर्मा का मंथली इनकम 3 करोड़ रुपए होता है, और उनकी सैलरी 35 करोड़ रुपए होती है। तो दोस्तों, ये थे कपिल शर्मा के लाइफस्टाइल वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट्स करके जरूर बताना, और आप भी कपिल शर्मा के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।